लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है सब कुछ इस जहां में, भला इन हाथों की लकीरों में रख। साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका उस सीरीज में जिसका नाम है एक वीडियो एक टॉपिक। इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप लोग पता है? इसमें आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं वर्तमान में जो समानुपात का एकदम बेसिक स्टैंडर्ड मॉडल है, वो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज पढ़ेंगे प्रथम समानुपाती निकालना। जब प्रथम समानुपाती गायब हो तो उसको कैसे खींच के लाते हैं। पिछली वीडियो नंबर 69 में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये सब कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, किस दिशा से आते हैं, किसके गांव से आते हैं, सब बताया था। ये सारी चीजें मैं आपको बताया था कि समानुपाती है या नहीं है, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, ये चीज आप समझ चुके थे। जो टाइम की वैल्यू रखते हैं वो इस बैच में एनरोल हो चुके हैं, जिनके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है वो अपना देखते रहो। आइए आज बात करेंगे कि जैसे इसमें प्रथम समानुपाती, जैसे ये एक्स है वो गायब है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। पिछले वीडियो में भी शायद ये चीज मैंने बताया था, लेकिन मैंने सोचा इसको अलग से कवर अप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, ज्यादा सुंदर लगेगा। चलो देखो एक्चुअली होता क्या है, इसका जो मुख्य फार्मूला आधारित है वो कुछ ऐसा है। यदि ए बी सी डी ये चार संख्याएं हैं जो आपस में समानुपाती हैं, तो इनका फार्मूला ये कहता है कि बाह्य पद का जो गुणनफल है और जो मध्य पद का गुणनफल है वो इक्वल होगा। यानी ए और डी का गुणा करने पर बी और सी का गुणनफल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यही आपका मुख्य सूत्र है। यहाँ पर आप सपोज करो ए वाला मान गायब है, है ना, तो ए वाला मान निकालने के लिए बी सी का गुणा करके डी से भाग होगा। यानी यही मेन क्या होगा फार्मूला आपके इस सवाल में लगेगा, समझ गए ना। ए वाला पद क्या है, गायब है, ठीक है। आओ चलो ले चले रखते हैं भाई साहब, आओ जाओ। तो क्या करेंगे यहां पर हम हल करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डायरेक्टली लगाएंगे, बी और सी का गुणा करेंगे, बी सी की जगह पर 7 और 8 है, और 14 यानी डी से भाग कर देंगे। तुम सबने अभी अभी देखा है कि कैसे करना है, मैंने आपको पूरा तरीका बताया है, फार्मूला वगैरह सब बताया है। अब ये एक्स इक्वल 14 4 56 होता है, एक्स की वैल्यू आ गया 4, यही आपका करेक्ट एंड फाइनल आंसर है। कोई डाउट ना किसी को, सेकंड वाले का बताओ आप लोग जरा कोशिश करो एक बार भाई साहब, चलो कर लोगे। आइए मैं आपको बताता हूं इसमें भी क्या है, y का वैल्यू आप फाइंड करोगे। आपको पता है कि a निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो बी सी का गुणा करके d से भाग होगा, क्या आपका सूत्र लगेगा a वाला वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। तो a की जगह पर y है 9 है, b की जगह पर, c की जगह पर 8 है, और d की जगह पर है 36। तो 9 8 72 और ये 36 से भाग करोगे तो भैया हो ये दोनों डिवाइड होके फाइनल में आएंगे 2, और आपकी y की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको एक सरप्राइज होने वाली बात बताऊं, तो ये क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितना बजे, ये रात का टाइम है, दिन का टाइम नहीं है, इसलिए आप मेरे चेहरे के हाव भाव शक्ल से देख रहे होंगे। मैंने ये क्लास ना अपने आप को जबरदस्ती ला के रिकॉर्ड किया, क्योंकि मॉर्निंग में देर में उठूंगा तो क्लास गायब हो जाएगी, हो पाएगी नहीं, काम सारा डिस्टर्ब हो रहा है ना, जिम्मेदारियां बढ़ रही। तो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां भी उड़ा देती हैं रातों की नींदें, रात भर जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, है ना। फिलहाल हो सकता है आप समझ पाए या ना समझ पाए, तो ये हो गया। अगला देखिए तीसरा, इसको कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना, ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, कर लोगे ना। अगला इसको, इसमें हमें ए वाला ही मान फाइंड करना है, इसी जगह पर भले बी लगता है तो ये क्या होगा, b और c वाले पद का गुणा होगा और d वाले पद से भाग होगा। और तुम सबको पता है कि ये 42 आएगा और 21 डिवाइड होगा, b का वैल्यू आएगा 2, है ना, कितना आसान। कोई डाउट है किसी को बताइए, कोई डाउट है तो सही ना। चलो इसमें क्या करेंगे, सेम तरीका लगाएंगे, इसीलिए मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। आप b और c के पद पर जो है उनको गुणा करोगे, d वाले से करोगे भाग, तो c इक्वल आएगा 9 8 72, ये आएगा 18, आप इनको डिवाइड करोगे फाइनल में आएगा 4, सो यू कैन से c का वैल्यू आएगा ओनली 4, है ना, कोई डाउट ना किसी को। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब b वाला मान निकालना हो तो कैसे होता है,
देखो एक्चुअली ये होता है AD इक्वल BC, ये फार्मूला होता है भाई साहब। जब B का मान निकालना होता है तो AD अपॉन 3 बराबर B होता है, यानी हमें प्रथम और चौथे पद का गुणा करके तीसरे पद से भाग करना होता है, यही हमारा दूसरा पद आ जाता है। इसका मान अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हम P बराबर कर सकते हैं 12 × 8 और / 48, ठीक है? तो 12 × 8 = 96 होता है ना, 48 से भाग करोगे 2 आएगा, पी का वैल्यू 2 आ जाएगा 2। ये मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं तो आप लोग देखते नहीं हो। और ऐसे कैंडिडेट जो सीरियसली सीखना चाहते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास और वीडियो क्लास में चाहते हैं, वो आज ही प्ले स्टोर से PVR स्टडी ऐप्स इंस्टॉल करें। इसके अंदर आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, साथ में आपको इस ऐप के अंदर पूरा पैकेज भी मिल जाएगा। अभी हाल ही में ये बैच आया है, इसमें कुछ सीटें हैं, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो एक बार चेक कर लें और ज्वाइन कर लें। ऑफर की लास्ट डेट इसमें फिक्स हो चुकी है 17 नवंबर, उसके बाद इसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी और फिर ये लास्ट डेट, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार ट्राई करें, अगर आपके लिए लाइफ में वक्त की वैल्यू है, क्योंकि यूट्यूब में वक्त ज्यादा लग जाता है, आप 60 वीडियो देखने लगते हो, कोई गाना बजाना देखने लगते हो, कुछ खट्टा मीठा देखने लगते हो, आंखों को थोड़ा सुकून देने वाले वीडियो देखने लगते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब समझ रहे हो? तो पढ़ाई से आप दूर हट जाते हो सकता है, कुछ वीडियो आप देख रहे हो इसके कुछ पार्ट नहीं मिल रहे हैं, उसमें आप खोज रहे हो, आपको टाइम 1 घंटे था पढ़ने के लिए, उसमें आपने कुछ और कर लिया, समय तो आप कभी तक लौट के आएगा नहीं, तो समय को कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। और ये आपको 490 पे करके आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना रहेगा, डाउट वगैरह हम बताएंगे, सीरियल बाई क्लास देना मेरी जिम्मेदारी है, कुछ भी क्लास में प्रॉब्लम है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई एड आएगा क्लास में उसमें, ना कुछ भी, आपको सिर्फ पढ़ना रहे, ठीक है? तो एक बार चेकआउट करें ऐप के अंदर, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मोबाइल नंबर स्क्रीन पर धीरे धीरे खिसक रहे हैं पीली पट्टी के साथ, संपर्क करें।